Congress leader Sachin Pilot and his supporters staged protests in Jaipur against the Bharatiya Janata Party-led government at the centre on Saturday. The protesters raised slogans and expressed their solidarity with Party President Sonia Gandhi and Vice President Rahul Gandhi ahead of the hearing of the National Herald case in New Delhi. The hearing is scheduled for 3 p.m. पिछले कुछ समय से केंद्र की सरकार ने अपनी सारी एजेंसीज को विपक्ष के नेताओं की तरफ केंद्रित किया हुआ है और एक बदले की भावना की राजनीति को एक नई संज्ञा दी है। मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार की एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं और जो कानूनी लड़ाई है उसको हम लोग कानून के न्यायालय में लड़ेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल बात भी है क्योंकि इन सब लोगों को टारगेट किया गया है। एक बदले की भावना से, एक दुर्भावना से जो काम सरकार कर रही है उसको एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। आज राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और इस बदले की भावना की राजनीति, इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। मेरा मानना है कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो कांग्रेस के नेताओं को टारगेट कर रही है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, उनके घर पर उनकी बेटी के शादी के दिन सीबीआई रेड कर सकती है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वहां पर सीबीआई को कार्रवाई नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यापम स्कैम में लिप्त हैं, उन पर सीबीआई ने इंक्वायरी नहीं करी। तो सरकारी एजेंसीज बीजेपी के आला कमान के नेतृत्व का ऑर्डर मानकर काम कर रहे हैं और सुब्रमण्य स्वामी साहब जो हैं वो बीजेपी के आला नेता हैं, उनके निर्देश पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरे प्रकरण को दोबारा ओपन किया गया। जब ईडी ने सितंबर 2014 को 15 को एक केस बंद कर दिया था तो दोबारा रीओपन इसलिए किया गया क्योंकि बदले की भावना से काम कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि सोनिया जी, राहुल गांधी जी अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में और न्यायालय में हमको पूरा भरोसा है, न्यायपालिका में भरोसा है, वहां न्याय हमको मिलेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल फाइट हम सड़कों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी की जो बदले की राजनीति है उसके खिलाफ हम आवाज को बुलंद कर रहे हैं। करेस्पॉन्डेंट लोकेंद्र सिंह फ्रॉम जयपुर फॉर जो समन्स जारी हुए थे उसके अनुसार सभी लोग जज साहब के पास पेश हुए और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की और उस पर जज साहब ने बेल 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 दे दिया है और कोई कंडीशन नहीं लगाया। बहस हुई थी कि एक पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट पे कोई कंडीशन लगानी चाहिए, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, ये स्वामी डॉक्टर स्वामी ने बहस की थी लेकिन वो बहस जज साहब ने नहीं मानी और एक श्योरिटी पे, हर एक एप्लीकेंट की एक श्योरिटी पे बेल पे रिहाई किया है जज साहब ने। और अगली डेट जो लगी है वो 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा, द सन इन लॉ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, ऑन सैटरडे जॉइन द बैंड वैगन ऑफ सपोर्टर्स बैकिंग देम ऑन द नेशनल हेरल्ड केस। टेकिंग टू फेसबुक, वाड्रा एक्सप्रेस्ड हिज सॉलिडरिटी विद मदर सन ड्यू, सेइंग ट्रुथ शैल प्रिवेल। My full support to my mother-in-law and brother-in-law. Politics of vendetta and desperate malicious attempt of defamation will not be believed. Truth shall prevail, he wrote on a Facebook status.